Good evening, everyone. Very warm welcome to our YouTube channel. So now ultimately MHCET law 3 years ka alphabetic merit list jo aaj aane wala tha, now it has been published. Okay, and aapke samne yahan pe aap apni screen pe dekh sakte hain that now ultimately sari categories ki list aa chuki hai. यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फाबेटिक लिस्ट एंड कैटेगरी वाइज महाराष्ट्र स्टेट ओएमएस जम्मू एंड कश्मीर एनआरआई अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो नाउ बेसिकली व्हाट दिस लिस्ट मींस टू यू इज कि यहाँ पे आपको लिस्ट पे क्लिक करना है. वंस यू ओपन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, उसके बाद आपको पूरा डेटा आपके सामने देखने को मिल जाएगा ओवरऑल अल्फाबेटिक मैनर के अंदर. मतलब व्हाट ऑल नेम्स हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज डिस्प्लेड इट अल्फाबेटिकली. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ओवरऑल आपका नाम मेन तो चेक करना है. ठीक है, नाम चेक करने के बाद नाम के सामने जो डिटेल्स है जैसे कि आपका कैटेगरी हो गया, आपके परसेंटेज हो गए एसएससी एचएससी, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज, ये सारी चीजें जो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन्ड है ना वो आपको प्रॉपरली चेक करना है. ठीक है, वंस द डॉक्यूमेंट ओपन्स आई विल शो इट टू यू दैट हाउ एग्जैक्टली यू आर सपोज्ड टू डू इट. एंड दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे पब्लिश किए हैं सीईटी सेल ने, विच इज लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉट कंसिडर्ड लिस्ट. तो यहाँ पे अगर नॉट कंसिडर्ड लिस्ट में आपका नाम है तो उसके यहाँ पे रीजंस भी लिखे हुए हैं दैट आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपने सबमिट नहीं किया है या फिर इनकम्प्लीट है, आपने आधा भर के छोड़ दिया है, देन इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस दिस योर नेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन नॉट कंसिडर्ड अल्फाबेटिक लिस्ट. ओके, अभी यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको प्रॉपरली थोड़ा जूम करता हूँ देन यू विल गेट एन प्रॉपर एंड ब्रीफ आइडिया व्हाट ऑल डिटेल्स आर मेंशन. ठीक है, कंटेंट इज स्टिल लोडिंग बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए से स्टार्ट होते जेड तक अल्फाबेटिक मैनर में यहाँ पे नाम एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, नाम के साथ बाद में डिटेल्स है जैसे कि जेंडर डेट ऑफ बर्थ फाइनल कैटेगरी. ठीक है, फाइनल कैटेगरी के बाजू में एक प्रीवियस कैटेगरी है जहां पे सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का ब्लैंक आएगा. अगर प्रीवियस कैटेगरी में कुछ लिखा है और फाइनल कैटेगरी में कुछ और लिखा है, प्रीवियस कैटेगरी यानी कि सीईटी सेल ने जब पहले सीईटी एग्जाम के पहले जो फॉर्म आपसे भरवाया था उसके अंदर आपने कोई दूसरा कैटेगरी डाला था एंड नाउ इन द कैप राउंड यू आर पार्टिसिपेटिंग एज अ डिफरेंट कैटेगरी. सो यहाँ पे दो कैटेगरीज आपको देखने को मिल सकती है, आपका कैंडिडेट टाइप क्या है, आपने माइनॉरिटी से अप्लाई किया है तो कौन सा माइनॉरिटी, इज इट लिंग्विस्टिक, इज इट रिलीजियस और इज इट बोथ. तो ये सारी डिटेल्स आपने जो भरी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी. ठीक है, आपका फिजिकली हैंडीकैप का है सीन या नहीं है, अकॉर्डिंगली जो आपने सिलेक्ट किया है वो सारी डिटेल्स आ जाएगी. एक सर्विसमैन, बाद में ऑर्फन, सीईटी के परसेंटाइल यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट होंगे ओवरऑल दैट कितने हैं परसेंटाइल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज इन केस यू हैव अप्लाइड थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन क्राइटेरिया. उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज जो आपने कन्वर्जन सर्टिफिकेट में भी अपलोड किए रहेंगे, आपके ट्वेल्थ के और आपके टेंथ के परसेंटेज, लाइन टू लाइन आपको चेक कर लेना है डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं. लास्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टेटस दिया गया है वेदर योर ऑनलाइन वेरिफिकेशन इज कन्फर्म्ड और नॉट. इफ इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग दैट इट इज कन्फर्म्ड तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इफ इट इज शोइंग दैट डॉक्यूमेंट इज हैविंग डिस्क्रिपेंसी तो आपको लॉग इन करना है. जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्रिपेंसी है उसको रिप्लेस करना है, यानी कि पहले वो डॉक्यूमेंट को डिलीट करो, री अपलोड करो इस नए डॉक्यूमेंट को आफ्टर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिपेंसी एंड देन यू सबमिट द फॉर्म. ठीक है, तो जिनके नाम के सामने डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी का रिमार्क है उनको टाइम दिया गया है सीईटी सेल की तरफ से. ठीक है, एंड आपको बोल सकते हो आपके ग्रीवियंस पीरियड आपको दिया गया है विच यहाँ पे आप अनाउंसमेंट देख सकते हैं दैट इट विल बी फ्रॉम 29th to 31st of July. ओके, तो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3 दिन का विंडो फ्रेम आपको दिया गया है. तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जिन जिन लोगों को डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी का रिमार्क दिख रहा है उनको डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिपेंसी रिमूव करके आपको सबमिट करना है. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी ये एक लिस्ट दिखाया आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे कैप स्केड्यूल भी पब्लिश हो चुका था आपका. कैप स्केड्यूल के हिसाब से आपको चलना है. एक चीज देखिए यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ये स्टेज तक हमारा काम हो चुका है. अभी ग्रीवियंस पीरियड आपको दिया जाएगा 29 से लेकर 31st तक एंड देन 5 तारीख को 5 अगस्त को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा.
आफ्टर 5th ऑफ अगस्त, 6th अगस्त से लेके 8th अगस्त तक आपको कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है, ठीक है। और ये 3 दिन, 6, 7 एंड 8, ये 3 दिन आपको विंडो प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसके अंदर जो आप कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे, दैट विल बी फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। जनरली क्या होता था 2 साल पहले कि राउंड 1 खत्म होता था, उसके बाद वापस से सीईटी सेल आपको ऑप्शन फॉर्म एडिट करने का मौका देता था। नाउ अल्टीमेटली आपको अभी जो आप ये 3 दिन जो दिए गए हैं 6, 7 एंड 8, उसके अंदर आपको जो ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, दैट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2, ये दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एंड बाद में 12 तारीख को आपको पता चलेगा अलोकेशन लिस्ट जब आएगी, दैट विच कॉलेज हैज बीन अलॉटेड टू यू बेस्ड ऑन द ऑप्शन फॉर्म विच यू हैव बीन सबमिटेड फॉर दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉलेज सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, एंड कॉलेज सिलेक्शन का जो काम है वो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको करना होगा। बट उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए दैट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, दैट इज आई मीन percentile, which college you should select. You should not ultimately waste your preference by selecting wrong preferences which does not fit in your category of school. Okay? So I hope that part is quite clear to you. And बाद में हमें पता चलेगा जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ऑप्शन फॉर्म जो है राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के परस्पेक्टिव से भरना है। तो राउंड 1 जब खत्म हो जाएगा, यानी कि बोल सकते 13th से लेके 16th तक खत्म हो जाता है, 16th डेट इज द लास्ट डेट फॉर गेटिंग एडमिशन इफ यू गॉट एनी कॉलेज इन राउंड 1, तो 16th के बाद जो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा फ्रॉम 17th, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ बराबर 17th से स्टार्ट होगा, तो अकॉर्डिंगली 19th को वापस से लिस्ट आएगी कैप राउंड 2 की, एंड अकॉर्डिंगली आपको रिपोर्ट करना है कॉलेजेस में। तो मतलब इसके बीच में आपको कोई कॉलेज ऑप्शन फॉर्म एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, इट विल बी लाइक प्रॉपर प्रोसेस। जो आपने फर्स्ट राउंड में सबमिट किया था ऑप्शन फॉर्म, उसको आप राउंड 2 में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर राउंड 1 में कॉलेज मिल जाता है, आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस वहां पे खत्म हो जाता है, बाद में आपको कोई टेंशन नहीं है। बट इन केस इफ यू आर नॉट टेकन एडमिशन और यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉलेज इन राउंड 1, देन व्हाटएवर द प्रेफरेंस दैट यू विल बी गिविंग इन फ्रॉम 6th ऑफ अगस्त टू 8th ऑफ अगस्त विल बी कंसिडर्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ राउंड 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इतना समझ के चलिएगा कि यही आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों कंबाइंड राउंड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, यानी कि अभी फॉर्म नहीं फिल कर पाए राउंड 1 और राउंड 2 के पर्सपेक्टिव से, उनको मौका मिलेगा डायरेक्टली फ्रॉम 6th ऑफ अगस्त से लेकर 26th ऑफ अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सीईटी का ये कैप फॉर्म है अभी आप भर रहे हैं, वो आप अगर ये राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो राउंड 1 राउंड 2 में ड्यू टू सम रीजंस, तो अकॉर्डिंगली राउंड 3 एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं सब राउंड में सीट्स होती है कि नहीं होती है, सब राउंड में सीट्स होती है कॉलेजेस में, बट जो सीट का नंबर होता है सबसे ज्यादा कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में होता है, कैप राउंड 3 और इंस्टीट्यूशनल राउंड में बहुत कम, या फिर मैं बोल सकता हूँ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रहती है। सबसे ज्यादा आई विल प्रिफर स्टूडेंट्स टू गो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ओनली, उसी के अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस अगर खत्म हो जाता है इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज थर्ड एंड इंस्टीट्यूशनल राउंड जो है वो जब स्टार्ट होगा उसके अंदर कैसे कितना कॉम्पिटिशन है वो हम देखेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट रैंक क्या है। ये पर्टिकुलर आज का लिस्ट इज नॉट ऑफ एनी रिलेवेंस, आगे का जो लिस्ट आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स होप चीजें स्मूथ चले, एंड प्लीज डू एनरोल इन अ कंसल्टेशन प्रोग्राम इफ यू विश टू गेट प्रॉपर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कॉलेजेस एज पर योर पर्सन टाइम, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द रिलेवेंट टाइम फ्रेम इज ऑल्सो अपलोडेड, ठीक है। तो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। OMS स्टूडेंट स्पेसिफिकली प्लीज टेक द नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट्स, कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू द कॉलेजेस एंड सीक एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे राउंड 1 के लिए भी दिया गया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर डेट्स आप मार्क करके रखिए, बिकॉज आपको कंपलसरी यहाँ पे आना पड़ेगा। जो भी आउटस्टेशन स्टूडेंट्स है रेस्पेक्टिव, जो भी मुंबई पुणे जहां पे भी मिलता है सिटीज में, वहां पे आपको जाके फिजिकली कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट, यू कैन नॉट अवॉइड इट बाय सेइंग एनी रीजन, कोई रीजन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप ये डेट टाइम फ्रेम में नहीं जाते हो देन अकॉर्डिंगली यू विल miss out on that college, ठीक है। So further guidance के लिए आप consultation program में enroll कर सकते हैं।
the fees for the same is only rupees 500. That's it. Thank you so much. Do share this video with your friends. Thank you.